आप हमेशा ये कहते हैं जीरो आएगी, नहीं मैं जीरो नहीं। देखना ये सरकार बिना बहुजन समाज पार्टी के नहीं बन सकती। जय श्री राम की बात करिए, जय श्री राम तो सबकी आस्था है लोगों की। मंदिर सुनिए, मंदिर में कौन जा रहा है? यहाँ के मंदिर ही सूने पड़े हैं। अरे 2 लाख लोग डेली जा रहे हैं वहाँ तो। 2 लाख जाए या 5 लाख जाए, वो तो 2% लोग हैं, 4% लोग हैं, वो तो पागल है। वो तो बीजेपी इस बार 400 पार। जो राम को लाए हम उनको लाएंगे। अरे राम गया कहाँ था जिसे लेके आए हो? कहाँ गया था जरा बताओ। राम तो हम पैदा नहीं हुआ जब से पहले राम राम कर रहे हैं, मगर हमारे तो माँ बाप का या किसी का उद्धार राम या किसी देवता ने नहीं किया। पहले टेंट में थे, अब बिल्डिंग। अरे हम जो है, मेरी शादी 7वीं क्लास में हुई थी, मैंने एमए करके लॉ किया। मैं उस मिशन का आदमी हूँ, मैं राम राम का आदमी नहीं हूँ। अगर राम और मंदिर पर रहता तो मैं भी आपके बीच नहीं खड़ा। अरे गुंडों का राम नाम सतोरा है यूपी में। आपको ईवीएम पे भरोसा है? देखिए ईवीएम पे भरोसा तो हम देखिए, इसमें एक बात शंका की है कि मुझे एक बात बताओ, 3-3 महीने 2-2 महीने ईवीएम की सुरक्षा कौन करेगा? करेंगे आप सुरक्षा? जब शासन प्रशासन बेईमान हो जाएगा, जब तक शासन प्रशासन और इस देश का नौजवान खड़ा नहीं होगा तब तक सत्ता परिवर्तन नहीं। मोदी जी के साथ खड़ा है नौजवान? मोदी के कहाँ खड़ा है यार, रोगी गोगी कल देख रहे थे, वह देखे मोदी जी आए, अरे आधा किलोमीटर में पूरा देश तबाह कर दिया, और मोदी जी के वहाँ कितने लोग थे? अरे कितना मोटरसाइकिल थे, गाजियाबाद जाम हो गया मोदी जी। अरे जाम तो आप करा दे, हमारे लिए तो ज्यादा जाम हो रहा। देखिए सुनो, चलिए सब देश के गुलाम है ये। राहुल गांधी के बारे में आपकी क्या राय है? राहुल गांधी चमकता नेता है, कोई बात नहीं। अगर मिशन की बात करेगा तो उसके साथ रहेंगे, हमारी बात रखेगा। मान लीजिए ऐसी संभावना बनती है जहां बहन जी के पास कुछ सीट हो और इंडिया अलायंस में राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन रहा हो, तो क्या बहन जी उसको सपोर्ट करेंगी? वो मेरी नेता सोचेगी, उनका काम है, मेरा काम नहीं। जय भी नमो बुद्धाय। रवि भाई अपनी व्यवस्था देखिए। सबसे पहले मैं जितने हमारे साथी जो मंच में नाम लिए हैं सभी साथी पीछे हो जाए। हमारे नेता आदरणीय आकाश आनंद जी सबसे पहले बाबा साहब और मानवर साहब की प्रतिमा में पुष्प अर्पित करेंगे। सभी सम्मानित साथी जो जिनके नाम लिए वही साथी आगे जाए। माननीय हमारे पश्चिम उत्तर प्रदेश के प्रभारी, उत्तराखंड के प्रभारी माननीय शमसुद्दीन राय साहब,
सतपाल पेपला, मेरठ मंडल के प्रभारी कुलदीप कुमार जाटव जी, मेरठ मंडल मुख्य सेक्टर प्रभारी, जिले के अध्यक्ष दयाराम सैन साहब, पूर्व मंत्री, आप सभी साथी बाबा साहब और मानव साहब की प्रतिमा में पुष्प अर्पित कर दे। भाई स्वागत की जो हमारे साथी, जो फालतू के साथी है हमारे, सभी साथी वो नीचे आ जाए। देखिए हमारे नेता जिनको आप और हम सुनने के लिए आए हैं। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुजन समाज की एक ऐसी किताब, कहीं हम भूल ना जाएं, एक ऐसी ऐतिहासिक किताब है जिसके अंदर आपको ऑडियो वीडियो देखने को मिलना है। ये पहली बहुजन समाज की ऐतिहासिक किताब है जिसके अंदर आप वीडियो भी देख सकते हैं। आप किताब के अंदर कैसे वीडियो देख सकते हैं ये मैं आपको पहले दिखा दूं। आइए तो हम देखते हैं। सबसे पहले आपने करना ये काम है कि किसी भी पेज पर मोबाइल द्वारा आप गूगल पे जाएंगे और गूगल पे जाने के बाद आपको कैमरे का निशान नजर आता है। इस कैमरे पे आप क्लिक करेंगे तो ये QR कोड को स्कैन कर लेगा। स्कैन करने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे ये लिंक आ गया। आप जैसे ही लिंक पर क्लिक करेंगे आपकी वीडियो चालू हो जाएगी, यानी कि आपको एक सटीक जानकारी मिलने वाली है, एक ऑथेंटिक जानकारी मिलने वाली है। बहुजन समाज की पहली ऐतिहासिक किताब है जिसके अंदर आपको तमाम महापुरुषों की जानकारी मिलने वाली है। आप इस किताब में देख पाएंगे तथागत सम्यक बुद्ध जिनकी पूरी जीवनी आपको मिलने वाली है, महान सम्राट अशोक जिनका जीवनी आपको इसके अंदर पूरी मिलने वाली है, संत कबीरदास, संत शिरोमणि गुरु रविदास, सम्राट मीर भोज जिन्होंने इतिहास रचने का काम किया, गुरु घासीदास बाबा, वीरांगना झलकारी बाई, वीरांगना उदा देवी पासी, नागेली वीरांगना की कहानी, एकलव्य जिसका अंगूठा काट लिया था धोखे से, चोखा मेला हरिचंद ठाकुर, ज्ञान दीत छत्रपति शाहूजी महाराज, बिरसा मुंडा, ज्योतिबा फूले, माता सावित्री बाई फूले, फातिमा शेख, ईवी रामा स्वामी, स्वामी अछूतानंद, बाबा साहब डॉक्टर B.R. अंबेडकर जिनका मूल ग्रंथ आपको इसमें छोटी सी किताब में मिलने वाला है। आप ऑडियो भी देख सकते हैं, वीडियो भी देख सकते हैं। माता रमाबाई, मोतिया रावण कंगाली, सरदार उधम सिंह, ललई सिंह यादव, दशरथ मांझी, शिव दयाल सिंह चौरसिया, कपूरी ठाकुर, भवरी देवी, मान्यवर काशीराम साहब जिन्होंने इतिहास को दोबारा दोहराने का काम किया था, वीरांगना फूलन देवी, बहन कुमारी मायावती, संकल्प भूमि और पूना पैक्ट। बहुजन समाज का एक मूल ग्रंथ यह आपके पास आ गया है और आप इसको बिल्कुल भी देरी ना करें। तो साथियों अगर आप ये किताब मंगाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो आप नंबर देख रहे हैं इस नंबर पर आप हमें अपना ऑर्डर बुक करा सकते हैं। कितनी किताब आपको चाहिए, यदि आप चाहते हैं कि यह किताब पूरे भारतवर्ष में घर घर नजर आए तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, शेयर करें, अपने कमेंट हमारे सुझाव बॉक्स में ज़रूर दें और किताब को अपने घर पे मंगाना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुँच सकें आप पे सबसे पहले।